भाई स्वागत है आप सभी लोगों का फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ये भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं था फ्लाइटों में वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी एतिहाद से जो पहले गई अबू धाबी में 19 घंटे रुकी वो, और फिर वो आई है फ्रैंकफर्ट। तो मेरे को यहाँ पहुँचने में लग गए 30 घंटे, पर उस 19 घंटे को मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मैं अबू धाबी उतरा और फिर बस लिए एक 500 रुपए की और मैं पहुंच गया दुबई सीधा दीपांशु के पास। एक दो अपनी चीज़ें ले आया जरूरत की, 5-10 हज़ार रुपए की वो इलेक्ट्रॉनिक्स की। और भाई अभी सुबह आए नहीं तो एमएलडी खा लेते हैं, थोड़ा बैठ के टाइम पास हो जाएगा। पता नहीं यार आलसी तो है शुभम, देखो मैंने फ़ोन किया तब उठा है, कह रहा आ रहा हूँ आ, तो 2 घंटे लगेंगे अब उसको आने में, तब तक मैटी खाते हैं। भाई इस टाइम उनको पहुँच जाना चाहिए था बर्लिन, पर शुभम भाई उठा ही नहीं पहले, तो फिर उठ गया तो फिर ट्रेन मिस कर दी। अब आ रहा है इस वाली ट्रेन में बैठ के जो बर्लिन जाएगी, और मैं फ्रैंकफर्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा और आगे आ गया, कोई मैनहेम करके स्टेशन है वहाँ पे, 12:32 पे आएगा, 12:24 पे आएगी शायद ट्रेन, 32 पे जाएगी, पता नहीं क्या करता है ये। हाँ तो मैं बता रहा था कि मैं आ गया था फिर अबू धाबी से दुबई, और दुबई थोड़ी देर रुका दीपांशु के पास, और फिर वापस अबू धाबी फ्लाइट लेके फ्रैंकफर्ट आ गया। फ्रैंकफर्ट के स्टेशन वो जो एयरपोर्ट से मैं फ्रैंकफर्ट के मेन स्टेशन आ गया, वो भी मेरे यूरो रेल पास में इंक्लूडेड है, इस बार भी मेरे पास यूरो रेल पास है। शुभम का वेट किया भाई, वो आया ही नहीं। अब आगे की कहानी सुनो। पहुंच गया तो मेरा ट्रेन पहुंच गया, उतरा था ना तू, तो चल चल। देखो यूरोप में शुभम का क्या है, गर्म पानी मांग लेगा जाके, चाय पत्ती अपनी घर से लेके आ गया है, और फिर इन्होंने चॉकलेट का पता है कितना दाम है यहाँ पे, 4 यूरो, कितने 300 रुपये 40 रुपये के आस पास जाएंगे, 330 रुपये के चाय पियो। और फिर इन्होंने चॉकलेट और फ्री में दे दी, ये क्यों दे दी भाई, पता नहीं, मैंने कहा पानी दो तो एक पानी भर के दी, नहीं उन्होंने देखा इतना स्मार्ट लड़का है। हाँ उसके बाद मैंने कहा फ्री तो भी दे दी, मैंने कहा कितने पैसे, तो बोलती नहीं चाहिए, नहीं लूँगी पैसे, बोले ठीक है अच्छी बात है। देखो पहले तो हमने देखा था ये पीछे वाला मेन्यू, ये वाला दिखाता हूँ, ये 8 यूरो का है, ऊपर लिखा वेजिटेरियन पर लिखा प्लांटेड चिकन, मैंने कहा प्लांटेड चिकन, फिर हमने आगे करा भाई, आगे करियो ना ना पीछे इसके पीछे से। ये देखो भाई ये तीनों वेजिटेरियन, तीनों में ऐसे लिख रखा है वेजिटेबल, अच्छा ये ठीक है वेजिटेबल प्लांट बेस्ड चिकन तरियाकी, ये प्लांट से कैसे चिकन उगाते हैं बताओ, ये आपके बिहार में उगता है क्या, बिहार में तो मैंने ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, वो भी तो 800 का था, एक ये लेते हैं फिर एक और ले लेते हैं, मेरे को ये सही लग रहा है, ये देखो थोड़ा लग रहा है दाल है आलू है, मतलब ऐसे हाईलाइट कर रखा है ये, देखिए ये जो मतलब हाईलाइटेड है ना ग्रीन, ये मतलब वेजिटेरियन है, ये सॉसेज ही नहीं है वेजिटेरियन, इंडिया में सब नहीं होता रेड मतलब चिकन वगैरह एंड मतलब एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, भैया भाई ये तो आ गया अपना वीगन चिकन विद बासमती राइस, ठीक है। और भाई शुभम क्या हुआ, यहाँ पे ना थोड़ा मुझे लग रहा है लोग बहुत रेसिस्ट हैं, मतलब उनको लगता है कि हम गरीब लोग हैं, हम फर्स्ट क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम लोग बैठे हुए फर्स्ट क्लास में, और मैं बोला था मैं इधर आ रहा था, बोलती है उधर उधर उधर, मैंने कहा भाई मेरी सिर उधर है तो मैं उधर ही बैठूंगा, फिर बोलती है फर्स्ट क्लास, एकदम आंख निकलती खड़ा करके, मैंने कहा हाँ मिल जाओ। और बताओ ये मैंने बहुत बार देखा भाई यहाँ पे, तेरे साथ भी हुआ है ना पहले भी, जब ट्रेन पे चढ़ रहा था बोली कंफर्म है तो तुम फर्स्ट क्लास के हो, मैंने कहा भाई मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट है देख लो। भाई दूसरी चीज़ थी ये दाल है थोड़े आलू के साथ, और पूरी कटोरी भी नहीं भरी भाई, मतलब एक आदमी का 100 ग्राम हो गया, बच्चे का पेट नहीं बढ़ेगा ये। इसमें कितने लिए, 700 रुपये इसके लिए, और ये लिए जो प्लांटेड चिकन है, प्लांटेड चिकन पता नहीं, एक सेकंड मैं टेस्ट करके बताता हूँ, प्लांटेड चिकन एक सेकंड मैं टेस्ट कर ही लेता हूँ आज, अरे वीर सा चिकन है ये प्लांट से है ना। तो भाई ये है 1000 रुपये का, तो 1700 रुपये में ये चीज़ आई है बता, वो तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि चलो कोई नहीं पेट भर लेते हैं। फाइनली
बर्लिन पहुंच चुके हैं, 3 मिनट ट्रेन लेट है और हमारी अगली ट्रेन इसकी भी बाप है वो 10 मिनट लेट चलेगी। यहाँ से खुलती है फिर भी लेट चल रही है, खुलती मैं देखा नहीं, खुलते ही लेट चलती है। वो अपने आप को इतना मॉडर्न समझते हैं लोग, देखो ये वाली ट्रेन है अपनी जो लाल कलर में आ रहा है वॉर्सो की, अपने आप को इतना हीरो समझते हैं ये यूरोपियन, कहते हैं हमको क्या फर्स्ट क्लास में जाओगे। अच्छा तेरे को रिजर्वेशन करते वक्त भी तेरी सेकंड क्लास की कर रही थी ना वो, कर दी, बोली 4 यूरो, मैंने कहा फर्स्ट क्लास, बोलती नो नो नो, देन 6 यूरो, ओके ठीक है लो लो। भाई मेरी तो हो गया कमर में दर्द क्योंकि मैं पिछले 30 घंटे से तो फ्लाइटों में हूँ, बसों में, पता नहीं कहाँ अबू धाबी दुबई धक्के खा रहा हूँ, और फिर इसने लेट कराया सुबह सुबह कम से कम 6-7 घंटे, सुबह 7 बजे 7 बजे पहुंच गया था मैं सुबह फ्रैंकफर्ट और 12 बजे वाली ट्रेन से आए हैं। अब ये ट्रेन थी 6 घंटे की भाई, अब वॉर्सो की ट्रेन है वो भी 6 घंटे की, और सुबह सुबह कल ब्रेडन उठा देगा भाई, हम तो नहीं उठ रहे। हम एक काम करेंगे, तू गाड़ी से हम ट्रेन से आते हैं है ना, ट्रेन हमारी तेज है। तो अब यहाँ से भाई वॉर्सो जा रहे हैं और वॉर्सो में करेंसी भी चेंज है, रात को पहुंचेंगे 12 बजे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होगा, और मैंने 150 यूरो निकलवा, इनका क्या करूँ अब भाई, 5 दिन तो हमको वहां रहना है, इन यूरो का क्या करूँ मैं, वापस ये दे, मेरे को दे देना। चल ठीक है 100 के भाव में ले ले, 100 नहीं अभी जो चल रहा है 82। जब मैं 84 था, 82 हो गया, बड़ा मस्त मजा आ गया एकदम यार। 6-6 घंटे की ट्रेन तो इनको स्लीपर बना देनी चाहिए, लेकिन देखना 6 घंटे में कितना कवर किया इन्होंने, 6 घंटे में 800 किलोमीटर आए हैं, फास्ट तो थी 120-130 की स्पीड से, मतलब एवरेज। चलो उतरते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, 42 भी हो गए, पहुंची नहीं है पर अभी तक स्टेशन पे। कौन कहता है यार यूरोप की ट्रेन में, तो हर बार कहता हूँ कि भाई इन लोगों को लगता है मैं इंडिया की बेइज्जती करता हूँ, भाई यहाँ की भी बेइज्जती होती है, देखो नहीं पहुंची टाइम पे, हमारी मिस करा देते हैं ना। हमारी ट्रेन 53 में थी, बट अगर ये 5 मिनट लेट पहुंच जाएगी तो प्लेटफॉर्म भी तो चेंज करना होगा। हाँ 3 से 6, 6 से 3 पे जाना है। चलो उतरते हैं, खाली हो गई। अरे शुभम क्या कह रहा था, अरे यूरोप में सब कुछ ना ऑर्गेनाइज लगता है, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा, मतलब ऐसा देख लग रहा है यहाँ पे, पता है कि कौन से हमारी ट्रेन आने वाली है, पता अभी चल गया पता, ट्रेन से उतरने से पहले दूसरी ट्रेन का पता हमको कि कौन से प्लेटफॉर्म पे वो आने वाली है। हाँ। इंडिया में प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं पता चलता कई बार। या ट्रेन में चलो इन्होंने बाय बाय कह दिया है, लिख दिया है ऑफ दिस स्टेशन, टेक केयर एंड गुड बाय। चलो ये उतरे भाई हम ट्रेन से, और कहाँ है की ट्रेन है, ये पहुंच गए हम बर्लिन में, भी 3-4 स्टेशन है, इस वाले से जा रही है बर्लिन ऑस्ट बानहॉफ। हाँ तो इस अब यहाँ खड़े रहो, अब यहाँ खड़े रहो, चलो अंदर घुस के बैठते हैं। क्या कह रहा शुभम, यहाँ पे सही है, इनका इंजन चेंज नहीं करना पड़ता, आगे पीछे दोनों इंजन है, इधर लगाते कभी इधर निकल जाते, कभी इधर निकलते कभी इधर निकलते हैं। हाँ फ्रैंकफर्ट में हम ऐसे जाके रुके, फिर ऐसे चल पड़े हैं ना, चल पड़े। गई हमारी भाई ये वाली ट्रेन, अब कोई भी ट्रेन नहीं खड़ी पूरे स्टेशन पे, यहाँ पे फ्री खड़े हैं। तो मैं थोड़ा प्लान बता देता हूँ, प्लान हमारा है, ब्रेडन का फोन आया कि भाई मैं हूँ वॉर्सो में पोलैंड में, और आ जाओ यहाँ पे, हम थोड़े दिन पोलैंड घूमते हैं, थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह जाएंगे, थोड़ा तेज़ नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, और हम जाएंगे यूक्रेन के बॉर्डर वगैरह पे, देख के आते हैं क्या सिचुएशन है, मतलब ऐसी फन रोड ट्रिप सी, 4-5 दिनों की कह रहा है, चार पाँच दिनों की अक्रॉस पोलैंड, मतलब रोड ट्रिप करने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम वैसे भी देखो यार यूरोप है तो बोरिंग, अगर दोस्तों के साथ नहीं आ रहे तो बोर हो जाओगे आप, तू भी हो गया ना बोर, बहुत हो गया, कुछ आते है ही नहीं, मतलब देखने के लिए सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, पर सारी सेम है, सारी सेम है, और सब कुछ ईजी है यहाँ पे, मतलब सब कुछ ईजी है, एडवेंचर नहीं है, छोटी सिटी में गूगल मैप बता रहा है कि कैसे जा सकते हो तुम, छोटी सिटी में मतलब फ्रैगबर्ग इतनी छोटी सिटी है, तेल बिल्कुल नया है ना। हाँ यहाँ पे मतलब क्यों, यहाँ पे क्यों बता रहा है गूगल मैप में कि ये टैक्स, ये बस यहाँ से बस नहीं मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी, यहाँ कहीं नहीं बताता, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो तेरे गाँव में बताता है? दिल्ली के अलावा कहीं कहाँ बताता है? दिल्ली में भी सब गलत ही बताता है, ठीक है। मेट्रो का सही बताता है, बसों का थोड़ा बताता तो सही है, टाइमिंग थोड़ी इधर उधर हो जाती है इंडिया में, जाम वाम लग जाते हैं ना। तो भाई दिल्ली तो बहुत सिटी, बड़ी सिटी हो गई, इसके अलावा छोटी छोटी बोल दो कोई भी, लखनऊ वगैरह बता देते, लखनऊ वगैरह बहुत कर, मेट्रो बता देते हैं ना, मेट्रो, हाँ मेट्रो ठीक है, मेट्रो का तो कोई दिक्कत। तो भाई अब हम जा रहे हैं, हमने पहले सर्च करी, मैंने फ्रैंकफर्ट से फ्लाइट देख ली वॉर्सो की, इतनी महंगी महंगी, फिर मैंने कहा पास पड़ा है तो हम ट्रेन से चलते हैं, तो 12 घंटे की ट्रेन लेके हम पहुंचेंगे पोलैंड, और वहां पे मिलेगा हमको ब्रेडन, उसने सब कुछ बुक कर लिया, हॉस्टल वगैरह, और कल सुबह से हम करेंगे रोड ट्रिप अपनी स्टार्ट, कल शाम तक सोए ही रहेंगे पहले। दो
दो दिनों से सुबह 6 बजे उठ रहा था। आज मैं एक्चुअली अलार्म लगा लिया था, उठने का मन नहीं कर रहा था। और मैंने फोन भी कर तब भी नहीं उठा भाई। मैंने कहा मैं ही आ रहा हूँ तेरे को लेने। मैं उल्टी डायरेक्शन में गया, फिर वापस फ्रैंकफर्ट आए। और आने वाली है हमारी ट्रेन, बस देखते हैं ये वाली ट्रेन कैसी है। ये हमको नहीं लग रही कि जर्मनी की ट्रेन है, ये पोलैंड की ट्रेन लग रही है हमको। ये आ गई भाई अपनी ट्रेन 6:03 पे आ गई। अबे यार ये तो लोकल है। तो भाई ये ट्रेन चली गई, एक बैग मैंने टांग रखा है और दो नीचे पड़े हैं, क्योंकि शुभम उतरा था एक स्टेशन में बीच में दुकान से कुछ लाने के लिए और ट्रेन चली गई थी। ये बात है कुछ अराउंड 3 घंटे पहले की। तो शुभम बीच में ही रह गया, अब वो कुछ बस बस करके पहुंचेगा यहाँ पे। मैंने दरवाज़ा खोला भी था, पर यहाँ की ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। मैंने खोला, एकदम से चल पड़ी ट्रेन, वो ऑटोमेटिक बंद हो गया, लॉक हो गया। तो I'm sorry, are you a YouTuber? Yeah, I'm telling about Shubham. Do you know Shubham also? I only know you. This is the Yatri Doctor. I'm a subscriber. फिर मैंने ब्रेडन को बुलाया कि भाई आ जा मेरे को ले ले। Hello everybody, good to see you again. Hello. You want me then? Yeah. I can be your cameraman. Please just take me along with you. तो भाई ये पहुंच गया शुभम। शुभम अपने आप बीती बताओ थोड़ी। अरे बस लेके आना पड़ा यार, ये निकल गया मेरे सामने, निकल गया ट्रेन। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? ट्रेन बंद है, ट्रेन बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। मेरे को लगा कह रहा ठंड लग रही है। फिर कॉल किया, गेट खोल किसी को बोल गेट खोलेगा। लाइक जब तक ये गेट खुलता तो ट्रेन निकल चुकी थी। उसके बाद तो फिर चलो उतना भी। फिर कितने कितने डॉलर की बस पड़ी? 15 डॉलर की बस पड़ी। तो और 3-4 बजे पहुंचा ना तू यहाँ? 4 बजे 3:30 के आसपास पहुंचा। चलो बस में लेकिन सो गया था मैं। चल फिर यहाँ पे आगे सो गया। ये देखो हॉस्टल तो सही है भाई, बेड भी अच्छे थे, वॉशरूम भी अच्छे हैं, पर बस ये है कि 11 बजे चेकआउट करा देते हैं। और बड़े एकदम स्ट्रिक्ट है 11 बजे। तेरी छुट्टी है कभी ऐसे ट्रेन को अंदर बैठा हो और भाई दोनों बाहर आ जाते तो? अरे नहीं, मेरी पहली बार ट्रेन छुट्टी थी, अंदर बैठ के पहली बार छुट्टी थी। ये पैकिंग चल रही है बस अभी निकलने के लिए।